अभी सब्सक्राइब करें राम टेक्निकल टेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी प्रेस करें हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राम टेक्निकल टेक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड फोल्डर के बारे में। आपने अपने फ़ोन के इंटरनल मेमोरी में या फिर एक्सटर्नल मेमोरी में एक फोल्डर देखा होगा एंड्रॉइड नाम से, तो वो फोल्डर बेसिकली अपने आप ही क्यों बन जाता है और हम अगर उसको बार बार डिलीट कर देते हैं तो जैसे ही हम फिर से करेंगे तो फिर से क्रिएट हो जाता है, तो वो क्यों अपने आप बन जाता है और उसको डिलीट करने से क्या नुकसान होते हैं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर आज तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं राम टेक्निकल टेक यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, होता क्या है, एंड्रॉइड फोल्डर जो होता है वो हमारा फोन खुद ही उस फोल्डर को क्रिएट कर देता है। अगर हम उसको बार बार डिलीट कर देंगे उसके बाद भी वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो वो क्रिएट क्यों होता है, वो इसलिए क्रिएट होता है कि हमारा जो एंड्रॉइड फोन होता है उसमें हम जितनी भी एप्लीकेशंस यूज कर रहे होते हैं, जितनी भी ब्राउजिंग वगैरह करते हैं, तो वो जो सारा रिकॉर्ड होता है, वो जो डेटा होता है उसका, वो सारा एंड्रॉइड फोल्डर में हमें मिल जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप यूट्यूब यूज करते हो, आपने यूट्यूब पर कोई वीडियोज देखी, वॉच करी और अगर आपने उसको ऑफलाइन कर लिया तो वो जाके स्टोर आपको हो जाएगी एंड्रॉइड फोल्डर में, वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं जियो म्यूजिक का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैंने जियो म्यूजिक के थ्रू कुछ सॉन्ग्स को डाउनलोड कर रखा है या फिर यूँ कहूँ कि ऑफलाइन कर रखा है, ठीक है। अब ये हमारे फ़ोन में कहीं ना कहीं तो जाकर सेव हुए होंगे, कहीं ना कहीं तो ये स्पेस इन्होंने घेरा होगा, ठीक है। तो ये अब सॉन्ग्स हमें अगर अपने मेमोरी कार्ड में ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ पर जाके स्टोर होंगे, वो हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको फाइल मैनेजर पे जाना है और यहाँ पर अपना वही फोल्डर हमें सर्च कर लेना है एंड्रॉइड, ठीक है। उसके बाद जब हम एंड्रॉइड फोल्डर में आ जाएंगे तो हमें जाना होगा डेटा में। डेटा में जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक फोल्डर ढूंढना पड़ेगा जियो वाला। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, com.jio.media.com, ठीक है। ये वाला जो फोल्डर है, जैसे हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स हमें जाना होगा फाइल में, ठीक है। तो फाइल में जाने के बाद हमसे सबसे लास्ट में हमें दिख रहा है सॉन्ग्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉन्ग्स, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो सॉन्ग्स हमने ऑफलाइन कर रखे थे वो यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी हम अपनी डेटा किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू कुछ डेटा को ऑफलाइन करते हैं, जैसे कि ऐसे ही अगर आप यूट्यूब की वीडियो देखते हो, यूट्यूब की वीडियो को ऑफलाइन करते हो, तो अगर आपको देखना हो कि ये ऑफलाइन स्टोर तो हो गई है लेकिन मेमोरी कार्ड में कहाँ स्टोर हुई है, तो यहाँ पर आप com.youtube नाम से अगर फोल्डर को ओपन करोगे और वहाँ पर जब डेटा को सर्च करोगे तो जितनी भी वीडियोस आपने YouTube के थ्रू ऑफलाइन कर रखी होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि हम जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, उन सब का डेटा यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। तो आप किसी भी एप्लीकेशंस का डेटा अगर चेक करना चाहते हो तो यहाँ से चेक कर सकते हो। आपने जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू जो भी वहाँ से कुछ ऑफलाइन करा होगा या डाउनलोड करा होगा वो सारा का सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें याद ये रखनी है कि कभी भी हमें अपने एंड्रॉइड जो फोल्डर होता है उसको कभी डिलीट नहीं करना है। अगर हम उसको डिलीट कर देते हैं तो जितनी भी एप्लीकेशंस के थ्रू हम ब्राउजिंग करते हैं, जो भी डेटा स्टोर करते हैं, वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसको डिलीट करने से फ़ोन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इस फोल्डर को डिलीट करने से सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर नहीं उड़ता, बस हम जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं उन सब का डेटा उड़ जाता है। फिर हमें लगता है कि अरे यार, हमारा जो सॉफ्टवेयर उड़ गया, फ़ोन रिसेट हो गया, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज सर इस वीडियो को लाइक करिए और आगे अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने इस वीडियो को देखा, मुझे टाइम दिया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।